You guys are safe and happy. Okay, before we begin today's class, it's very important to have a little discussion about the previous topic we have discussed, about structure power and soft power. I hope you have understood it very well. Anyways, bachcho, aapke har tarah ke doubt ko yahan pe clear kar raha hu main, par phir bhi kahin kami reh jaye to please mention in the comment section. Apart from it, this is our last lecture of this chapter. However, we have discussed this chapter extensively. I hope we will discuss these topics also very extensively. Kuch main extra baatein iske bare mein aapko bataunga. Let's start today's class, everybody. I am your teacher, Jigyasu Punya. I am teaching you political science of class 12th, and this is chapter number 3. Okay guys, let's start the class. Okay bachcho, aaj ka jo topic hai hamara, wo hai constraints on American power. अमेरिका है जो उसकी पावर पे किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह से अमेरिका जो है उसकी हेजेमोनी को कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ता है. तो बच्चों देखो, एक बात को तो हम जानते हैं, जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत बड़ा होता है, अक्सर वो गिरता तब है जब उसके अंदर ही कहीं कमी होती है, जब उसकी नींव में ही कुछ खराबी होती है. वैसे ही अमेरिका है बच्चों. अमेरिका जो है, अगर उसकी हेजेमोनी वर्ल्ड में कम हो रही है तो इसके पीछे सिर्फ जिम्मेवार अमेरिका ही है. पर अमेरिका कैसे जिम्मेवार हो सकता है, आओ देखते हैं बच्चों. मैंने इस चीज को तीन कैटेगरीज में बांटा है, इन तीनों कैटेगरीज को हम समझते हैं. पहली कैटेगरी बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी बात करती है कि कैसे अमेरिका के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स मतलब जैसे प्रेसिडेंट है, ये कैसे अमेरिका के अंदर आर्मी को कंट्रोल करते हैं, और इनकी वजह से कई बार क्या होता है कि आर्मी इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन नहीं ले पाते. सेकंड थिंग इज रिलेटेड बच्चों कि किस तरीके से जो मास मीडिया है. अच्छा, एक बात का हमें पता है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो ओपननेस पे विश्वास करती है, लिबरलिज्म पे विश्वास करती है, और जब उस कंट्री में लिबरलिज्म होता है उस कंट्री के अंदर हमेशा फ्रीडम होती है. बच्चों याद करो, हमने पढ़ा है दो तरह की फ्रीडम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, या लिबर्टी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. आपको वहां पे पॉजिटिव लिबर्टी मिलती है, और पॉजिटिव लिबर्टी के फायदे भी हैं नुकसान भी. वैसे ही वहां का मास मीडिया, बच्चों मास मीडिया की अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम टेलीविजन की, न्यूज चैनल्स की, कैसे वो कंडेम करते हैं अमेरिका के वो काम जो आर्मी करती है अपनी मनमर्जी से. लेट्स रिकॉल वन नेम. How many of you know about Julian Assange? Julian Assange वो आदमी है बच्चों जिसने अमेरिका की ओपननेस का फायदा उठाया और उसके वो खुफिया राज जो अफगानिस्तान के अंदर उसने बहुत सारे सिविलियंस को बिना किसी वजह की जो भून दिया था उनका खुलासा किया. पर ये खुलासा जो था ये इंटरनल अमेरिका से हुआ. बच्चों आप ये वीडियो भी देख सकते हो जो लीक हो गई थी और जिसके लिए जूलियन असांज को अरेस्ट कर लिया गया. बट व्हाट आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू कि कैसे मास मीडिया ने अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए. अगर अमेरिका की मिलिट्री कहीं पे डिक्टेटरशिप करती है तो उसे रोका. तीसरा पॉइंट, वो जो तीसरा पॉइंट आता है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट टाइम पहले या सेकेंड चैप्टर मैंने आपसे पूछा था कि नेटो कब बना, आई होप आपने इसको ढूंढ लिया होगा. बट टूडे बच्चों, आज नेटो जो है वो बड़ी ही पावरफुल कंट्रियों का ग्रुप बन चुका है, और पहले भी था. खैर, नेटो आज जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर को थोड़ा रोक के रखता है. कैसे, अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो जो नेटो कंट्रीज हैं उनसे मिलके रहे. क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जहां इकोनॉमीज के साथ मिलके रहना वो चाहता है, वहीं उसके मन में इच्छा है अमेरिका की हेजेमोनी को भी बनाए रखने की. पर जो नेटो की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अमेरिका के कुछ डिसीजंस में इंटरफेयर कर देती है, और ये डिसीजन खास करके मिलिट्री से जुड़े हुए होते हैं. सो गाइस, तीन तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या तीन तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जनरली अमेरिका की हेजेमोनी में वो देखने को मिलते हैं कि वो अंदर से ही हैं, कोई बाहर का इंसान उसे रोक नहीं रहा है, ये इंटरनल ही उसको हो रहा है. चलो, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया है. लेट्स गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक. अगला टॉपिक है बच्चों, इंडियाज रिलेशन विद द यूएस. इंडिया का क्या रिलेशन है अमेरिका के साथ. बच्चों हम जानते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जब
ट्रंप आता है तो मोदी जी यू नो ही विद ऑल हिज हार्ट वेलकम्स ट्रंप. सो दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग इन रिलेशंस. बट हम पहले की बात कर रहे हैं बच्चों. एक बात को रिकॉल करते हैं, जब हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था तो कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देने के बजाय इंडिया ने यूएसएसआर का साथ दिया. यूएसएसआर गाइस रिकॉल करो, कब बना था यूएसएसआर? दैट इज क्वेश्चन फॉर यू. छोड़ो मैं बताता हूं, इसका आंसर है 1917 में शुरुआत हो गई थी यूएसएसआर बनने की. पर यूएसएसआर बच्चों एक वो कंट्री जो एक अलग ही एजेंडा के साथ बनती थी, एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट के साथ आई, सोशलिज्म और कम्युनिज्म और इक्वालिटी और ये सब चीजों के साथ वो मिलकर आए. खैर बच्चों, इंडिया ने अमेरिका के साथ जाने के बजाय यूएसएसआर के साथ जाना पसंद किया. रिकॉल करते हैं एक डेट, 1971 में कौन सी लड़ाई हुई थी बच्चों? आई होप आपको पता होगा. खैर मैं बता देता हूं, ये थी इंडिया बांग्लादेश वॉर. 1971 की वॉर हम भूल नहीं सकते क्योंकि विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं. मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ विजय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं इन द कमेंट सेक्शन. बच्चों 1971 की वॉर में हम जब बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तब ईस्ट पाकिस्तान कहलाने वाला एरिया जो बांग्लादेश अभी तक बना नहीं था उसको बचाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प ली. और जहां अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था तो हमने यूएसएसआर की हेल्प ली. बच्चों उस साल हमने पहली बार कोल्ड वॉर का उल्लंघन किया और हमने 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की यूएसएसआर के साथ. खैर दैट इज व्हाट वी चूज आवर साइड, हमने यूएसएसआर को चूज कर लिया था बच्चों. आगे देखते हैं बच्चों, पर जैसे ही यूएसएसआर टूटा था 1991 में, इंडिया ने अपना एक दोस्त खो दिया जो हमेशा इंडिया के लिए स्टैंड लेता था. पर अब इंडिया अकेला हो गया था उन सब कंट्रीज के सामने जो अमेरिका के फेवर में थी. इसका एक तोड़ निकाला हमारे देश ने बाय मेकिंग इकोनॉमिक्स रिफॉर्म. बच्चों आपको पता होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1991 में. दीज रिफॉर्म्स आर नोन एज LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे बच्चों, इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को अमेरिका और अमेरिका की जो अलाय कंट्री थी उनके करीब ले आए. क्योंकि हमने ये दिखाया कि बेशक यूएसएसआर टूट गया है पर हम जो है वो लिबरल सोच में विश्वास रखते हैं एज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री. और यही कहीं ना कहीं हमारा क्लोजनेस बढ़ने का पहला स्टेप था अमेरिका के साथ. आगे बढ़ते हैं बच्चों, पर इसके अलावा आज के समय अगर हम देखें कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं तो कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिखे हैं. लेट्स सी. फर्स्ट थिंग बच्चों, इंडिया जो है आपको पता है हमेशा इंडिया का नाम जो सॉफ्टवेयर के नाम पे बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि सुंदर पिचाई गाइस गूगल के जो CEO है, ये नाम वो है कि इंडिया वर्ल्ड में फेमस है सॉफ्टवेयर के मामले में, IT के मामले में. तो इंडिया का 65% एक्सपोर्ट जो है यूएस के थ्रू होता है और यूएस के पास जाता है और वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ होता है. सेकंड थिंग, इंडिया के करीबन 35% टेक्नीशियंस काम करते हैं वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जिसका नाम है बोइंग. बच्चों बोइंग कंपनी वो है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है बोइंग. उसके अंदर हमारे 35% वर्कर्स है. खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने देखा करीबन 3 लाख इंडियंस आर वर्किंग इन सिलिकॉन वैली. सिलिकॉन वैली एक जगह है जहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं बच्चों, और वहां 3 लाख के आसपास इंडियंस हैं काम करते हैं जो. आगे बढ़ते हैं बच्चों, करीबन 15% ऑफ ऑल हाई स्टार्टअप्स, जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स का मतलब होता है नई नई कंपनियों को शुरू करना, वो बड़े बड़े स्टार्टअप 15% अमेरिका के जो है वो इंडियन अमेरिकन के थ्रू होते हैं, मतलब वो इंडियंस जो अमेरिका के परमानेंट मेंबर हो चुके हैं. सो गाइस दिस इज हाउ वी टेक इंडिया एंड यूएस रिलेशन. हम अभी समझ रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएस के रिलेशन समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं और भी ग्रो हो रहे हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों, पर क्या इंडिया जो है यही चाहता है? क्या इंडिया का यही ध्यान था कि ऐसा रिलेशन हमारे बीच में हो? इस चीज को भी मैंने 3 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश की. फर्स्ट पार्ट बच्चों, इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ अगर मिलिट्री के बारे में ज्यादा होता है तो ये इंडिया के लिए गलत है.
India should not interfere or should not indulge in too many military exercises with US. अच्छा मेरे को एक बात याद आती है, US के साथ इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज. खैर ऐसे ही इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि इंडिया को अपने इंटरनेशनल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए बजाय अमेरिका की आर्मी के साथ या नेवी के साथ एक्सरसाइज करने के. खैर सेकेंड आस्पेक्ट, और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होता है तो देखते हैं बच्चों क्या होता है. वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ क्लोज होता है तो एक हिस्टोरिकल इवेंट है. हिस्टोरिकल इवेंट कैसे? क्योंकि इंडिया तो हमेशा से यूएसएसआर का फ्रेंड रहा है और अब इंडिया अमेरिका का दोस्त बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है. इवन वो एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया यूएसए का दोस्त बन जाता है तो वो उसकी हेजेमनी का फायदा उठा सकता है और उन सारी कंट्रियों के साथ मिल सकता है, जुड़ सकता है जो अमेरिका को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा देती है. आगे बढ़ते हैं. तीसरा आस्पेक्ट जो है बच्चों, वहां बताया गया है हमें कि इंडिया को एक कोएलिशन करना चाहिए. कोएलिशन किनके साथ करना चाहिए? डेवलप्ड कंट्रियों के साथ. जैसे कि बच्चों हमें पता है यूरोपियन यूनियन है, आशियान है, G20 है, G2 है, G4 है, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रियों के क्या है, आपस में कोएलिशन है. वैसे इंडिया को भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अपना कोएलिशन करना चाहिए. वो कोएलिशन करने का कारण क्या है? अगर इंडिया डेवलप कंट्रीज के साथ कोएलिशन करेगी तो इंडिया अपनी हेजेमोनी को एक समय के बाद स्ट्रॉन्ग कर लेगी और यही इंपॉर्टेंट है. बच्चों याद रखो, आज इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है. इंडिया आज एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ एक ग्रोइंग सुपर पावर बनता जा रहा है. इंडिया किसी भी मामले में किसी कंट्री से पीछे नहीं है, पर नाउ वी हैव टू मेक इट मोर प्रॉपर. हमें चीजों को बहुत तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे अगर हम एक ही तरह की अप्रोच रखेंगे. तो अगर हम उनसे एक ही तरह का अप्रोच रखेंगे, ट्रेड रखेंगे, तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. तो हमें जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए, दूसरी अप्रोच को भी अपनाना चाहिए. और वो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बच्चों? India's foreign policy. Let's recall one more thing, guys. आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने एक नया इवेंट शुरू किया था, एक नया प्लान शुरू किया था, एक पॉलिसी शुरू की थी. उस पॉलिसी का नाम है वीजा ऑन अराइवल. ये वीजा ऑन अराइवल जब बना, इसका मतलब ये था कि जो हमारे सिटीजन्स बाहर रहते हैं, द इंडियन डायस्पोरा. डायस्पोरा का मीनिंग आप जानते होंगे गाइस. डायस्पोरा का मतलब होता है कि वो लोग जो इंडिया के हैं पर वहां जाकर के जॉब कर रहे हैं. तो वो लोग जब इंडिया में आएंगे घूमने के पर्पस से आ रहे हैं, या वो जो इंडिया के ही हैं वहां सेटल हो गए हैं, अगर वो यहां बिजनेस के पर्पस से आ रहे हैं तो उन्हें वीजा यहां आते ही मिल जाएगा, उन्हें वीजा के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. सो ये क्या है हमारी? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो समय के साथ और इनहेंस हो रही है गाइस. आगे बढ़ते हैं. अभी बढ़े हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ कैन हेजेमोनी बी ओवरकम. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू नो, हेजेमोनी को कैसे खत्म कर सकते हैं? ना गुड क्वेश्चन. आओ समझते हैं बच्चों. हेजेमोनी को खत्म करना आसान नहीं है. हेजेमोनी को खत्म करना वैसा ही है कि किसी एक राजा को उसकी गद्दी से हटाना. पर क्या वो राजा इतना इनकैपेबल होगा? आओ देखते हैं बच्चों इसको. हमने देखा कि आज के समय में और कल ये डिसाइड करेगा क्या कि क्या इंडिया की सॉरी अमेरिका की हेजेमोनी ग्रो कर रही है या नहीं. बच्चों अगर हम आज की बात करें, कंटेम्प्रेरी बात करें, कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के अंदर मोर देन 3 लाख पेशेंट्स हो गए हैं. और ये सब होने की वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी स्लो डाउन है. वी नेवर नो कि कल क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, क्यों कौन सी हेजेमोनी पावर आने वाली है या कुछ बदलने वाला है. बट ऑल वी नो इज व्हाट टुडे अमेरिका इज सीन एज अ हेजेमोनिक पावर. आगे बढ़ते हैं. खैर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि वो सब चीजें जो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं या जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल जो हमारा पॉलिटिक्स है बच्चों, यहां कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ये विदाउट गवर्नमेंट के चल रहा होता है. और विदाउट गवर्नमेंट के चल रहा है तो जरूरी है यहां कुछ लॉज होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए. आओ रिकॉल करते हैं बच्चों, लॉज ऑफ वॉर.
लड़ाई के दौरान जो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उनके लिए कानून बनाना ये कहीं ना कहीं हेजमोनी की एक शुरुआत होती है। खैर हम एक बात को रिकॉल करते हैं, हमें पता है ना कि अभिनंदन जिनको पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था उन्हें एक कन्वेंशन के थ्रू वहां से रिलीज किया गया। वो कन्वेंशन का नाम मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट करंट अफेयर्स आल्सो। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। खैर हमें एक बात समझ में आ गई है कि बहुत कम कंट्रियां ऐसी हैं जो अमेरिका जैसी हेजमोनिक को चैलेंज कर सकती हैं। आओ देखते हैं बच्चों, अमेरिका की जो आर्मी है वो किसी से कम नहीं है, हर किसी से टकराने की ताकत है उसके पास, और कहीं ना कहीं ये अमेरिका की हेजमोनी को स्ट्रॉन्ग रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका को अगर हमें ओवरकम करना है तो माना जाता है तीन कंट्रियां हैं जो अमेरिका को ओवरकम कर सकती हैं, इंडिया चाइना एंड यूएस, सॉरी रशिया, यूएस तो अपने आप में ही है। तो रशिया जो है अगर वो चाहे तो यूएस को ओवरकम कर सकता है, पर अगेन ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खैर एक और स्ट्रेटजी है और उसको कहते हैं बैंड वैगन स्ट्रेटजी। बैंड वैगन स्ट्रेटजी है, इसका मतलब होता है कि जो कंट्री ऑलरेडी हेजमोनी है उसके साथ मिल करके काम करना और उसकी पॉलिसीज के साथ एग्री होकर के आगे बढ़ना, इसे कहते हैं हम बैंड वैगन स्ट्रेटजी। लेट्स रिकॉल दिस वन, ऑपरेटिंग विद हेजमोनिक सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट्स आर टेकन। ओके गाइस, सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैंड वैगन स्ट्रेटजी, यू शुड नो द आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारी स्ट्रेटजी है वो है हाइट। ओपननेस की तो हम बात कर चुके हैं कि अमेरिका ओपन है, पर बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं बच्चों जो हमेशा छुपी रहती हैं, हाइड रहती हैं, जैसे कि चाइना है, जैसे कि यूएसएसआर, मतलब जिसे हम आजकल रशिया के नाम से जानते हैं, रशिया है, वैसे ही कहीं ना कहीं ईयू, यूरोपियन यूनियन। ओके मैं जानना चाहता हूं कि कौन, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, यू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये वो कंट्रियां हैं जो अपने आप को क्लोज रखती हैं, अपने आप को हाइड रखती हैं, बड़े बड़े चीजों में सामने नहीं आती, पर कहीं ना कहीं यही इनकी स्पेशलिटी बन जाती है बच्चों। खैर ये वो कंट्रीज हैं जो अमेरिका को रिटेलिएट कर सकती हैं, पर ये अपने आप को सस्टेन कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो अमेरिका को उसकी हेजमोनी से हटा सकते हैं। खैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि अमेरिका को कौन चैलेंज करेगा, क्योंकि अमेरिका को चैलेंज करना सीधा सीधा उससे टकराना है, और आज के देश आज के टाइम पे ये गलत है। तो इसके लिए एक नई युग का शुरुआत हो चुकी है और उसके अंदर कुछ खास चीजें हैं जो अमेरिका की हेजमोनी को कम करती हैं या उसको क्रिटिसाइज खुल के करती हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा इस पे, जैसे एनजीओस बच्चों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो खुल करके ये जिक्र करते हैं कि अमेरिका क्या गलत कर रहा है और कैसे अमेरिका इन गलत चीजों को ठीक कर सकता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो पब्लिक ओपिनियन, सोशल मूवमेंट और मीडिया है, ठीक है ना, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, ये सब जो हैं खुल करके अपनी बातें दुनिया के सामने रखते हैं, और इनकी वजह से अक्सर अमेरिका जो है अपने डिसीजंस को रिकंसीडर करता है। okay? आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई। ग्लोबल विलेज बनने का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया जो है कनेक्ट हो गई है आपस में, पर ये जो ग्लोबल विलेज है इसके हम लोग नेबर कंट्रीज हैं। इमेजिन करो कि उस ग्लोबल विलेज का जो हेडमैन है वो हेडमैन अपनी मनमानी करता है, अपनी लट से, अपनी डंडे से काम करता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे पास एक ही गांव है, हमारे पास एक ही अर्थ है, हमें इसी में रहना है, और हम जितनी हो सके उतनी कोशिश ये करते हैं कि हम पीसफुली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, बिकॉज हर कंट्री जानती है हेजमोनी के लिए लड़ाई करना बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज लेके आता है, नो कंट्री इज सुपीरियर, ये लड़ाई कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाती है, पर मुद्दे की बात यह है कि क्या हम ये चाहते हैं। खैर हमारे पास इस सिचुएशन में हेजमोनी को अगर हमें रोकना है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बच जाता है, और वो रास्ता है टू रेसिस्ट। आपको लगता है कि जब अमेरिका अपनी मनमानी करे तो हम अपनी आवाज को उठाएं, और वो आवाज को रखने से कहीं ना कहीं हम अमेरिका की हेजमोनी को कम कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज वांट टू टेल अस अबाउट। ओके गाइस, आई होप मैंने सारी बातों को कवर किया है,
And I'm feeling very happy that our first chapter is over. But it was very descriptive. Every topic we have covered. Agar phir bhi kuch kami reh gayi hai, so please mention your grievances, your desires about the chapter. Aur aapko kuch aur change karana hai, ya lagta hai kuch badlaav hona chahiye, to aap mujhe share kare comment mein jaroor. Thank you very much. You have been great audience, and I am very glad to have you all. Thank you guys. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.